शाहरुख के ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट रावण को मिली जोरदार ओपनिंग। पर फिर भी शाहरुख थे कुछ रिव्यू से नाराज। कुछ रिव्यूअर्स ने रावण पर बेहद नेगेटिव कमेंट्स लिखे। शाहरुख की ही फ्रेंड फारा खान के हस्बैंड शिरीष कुंदर ने तो ट्विटर पर ही रावण की बेइज्जती कर दी। ही ट्वीटेड, आई जस्ट हर्ड 150 करोड़ फायरवर्क फिजल। ऐसे में शाहरुख का नाराज होना जायज है, लेकिन जैसे ही रावण ने धमाकेदार ओपनिंग ली, ये बात प्रोड्यूसर्स और रिव्यूअर्स सबको समझ में आ गई कि रावण 150 करोड़ तो बना ही लेगी। हालांकि रिलीज के पहले तक फिल्म के वर्डिक्ट के बारे में कोई नहीं जानता था, और तब शाहरुख फिल्म के सीक्वल को लेकर हमेशा ही मीडिया के सामने अप्रिहेंसिव एक्ट करते थे। पर अब खुलासा हुआ है कि शाहरुख तो शुरू से ही चाहते थे कि रावण का सीक्वल भी बनाया जाए। हमने आपको वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड पर पहले ही बताया था कि रावण सीक्वल बन सकता है, और आज शाहरुख के फ्रेंड एंड रावण के राइटर मुश्ताक शेख ने ये कंफर्म किया है दैट रावण पार्ट 2 इज ऑन इट्स वे। जी हाँ, मुश्ताक शेख ने तो ये भी बताया है दैट दे हैड प्लान्ड द सीक्वल वे अर्लियर। उन्होंने कहा, व्हेन वी वर जस्ट हाफवे थ्रू वी न्यू अ फिल्म लाइक दिस वुड डिमांड अ सीक्वल। द वे वी लेफ्ट इट एट द एंड शोज हाउ जीवन हैज कम बैक, सो विदाउट अ डाउट अ सीक्वल इज ऑन इट्स वे। ये क्या मुश्ताक, आपने तो पूरी कहानी ही बता दी इंटरव्यू में, यानी कि शाहरुख का सीक्वल बनाने का प्लान फिल्म की शुरुआत से ही था। वेल, शाहरुख तो मीडिया के सामने इतना ड्रामा क्यों? इनफैक्ट एक इंग्लिश डेली को दिए गए इंटरव्यू में शाहरुख ने जब अपने फ्यूचर एंडेवर्स के बारे में बताया, तो उन्होंने यश चोपड़ा, रोहित शेट्टी, अनुराग कश्यप, विशाल भारद्वाज और संजय लीला भंसाली के साथ प्लान वेंचर्स के बारे में बताया, बट ही नेवर मेंशन्ड रावण 2। इस बात के सिर्फ दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो शाहरुख के स्क्रिप्ट राइटर झूठ बोल रहे हैं, या फिर शाहरुख का कॉन्फिडेंस रावण पर डगमगाया हुआ सा था। उन्हें डर था कि रावण बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली तो रावण 2 के सपने चूर चूर हो जाएंगे। पर अब जब शाहरुख के स्क्रिप्ट राइटर ने शाहरुख की पोल खोल ही दी है और रावण बॉक्स ऑफिस पर चल पड़ी है, तो उम्मीद करते हैं कि रावण 2 के बारे में शाहरुख जल्द ही मीडिया को बताएंगे।